मगोइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे, जब ये गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई थी थट्टा में, और ये कहा जा रहा था कि ये जो है ये गाड़ियाँ जो है इस तरह उन्होंने डिस्कार्ड कर दी हैं सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यही गाड़ियाँ थी जिन्हें हम प्यार कर रहे थे, मोर्चरी वैंस के, यानी लाश के ले जाने के लिए गाड़ियाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि एम्बुलेंसेस जो हैं इस काम में नहीं हों, क्योंकि एम्बुलेंसेस में जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है और टेलीफोन कॉल आ जाता है, अगर वो किसी की डेड बॉडी लेके जा रही हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको फिर रोकना और किसी इमरजेंसी के लिए ले जाना, और जो इमरजेंसी होती है उसमें जान का भी ख़तरा होता है। तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि ये अलग एक सर्विस शुरू कर दें, जिसमें हमने 25 से शुरू किए, 25 गाड़ियां हमने, जो पुरानी गाड़ियां थी उन्हें हमने रिफर्बिश करके, उन्हें उनमें से हमने जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट था या वो चीज़ें थी जो हम मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे वो हमने निकाल दी हैं, और अभी ये जो है ये इस्तेमाल होंगी बॉडीज़ को ले जाने के लिए। तो 8 वैन्स हम दे रहे हैं कराची को, और 5 जो हैं वो जा रही हैं दीगर अजला में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे हैदराबाद है, मीरपुर खास है, बेनज़ीराबाद है, एक्सेट्रा, तो वहाँ जाएंगी ये 5, उधर हम इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है डेड बॉडीज़ कराची से जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी अंदरून सिंध में जाती हैं, तो वो ज़रूर जाएंगी यहाँ से लेके। तो ये 8, इस वजह से 8 ज़्यादा यहाँ हैदराबाद या कराची में दी गई हैं। हमारे पास इंशाल्लाह 330 एम्बुलेंसेस भी हो जाएंगी, आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं हम फ्लीट उसकी, और वो सारे अजला में काम कर रही हैं और शुरू कर लिया है उन्होंने, जो एक आध जो अजला रह गया है उसमें भी अभी शुरू कर दिया जाएगा। ये सर्विसेज जो हैं हमारे लिए नहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एतराज़ करते थे कि गाड़ियों एम्बुलेंसेस मिलती ही नहीं हैं हमें डेड बॉडी ले जाने के लिए, और जो है पेशेंट्स को प्राइवेट एम्बुलेंसेस में ले जाना पड़ता है और जिसके अखराजात हो जाते हैं। तो ये इस वजह से हमने ये शुरू कर दिया है, और मैं समझती हूँ ये बहुत ही खुशायन कदम है, और मज़ीद जो है हमें इस तरह की सर्विसेज जो हमारे लोग हैं सिंध के उनको देने की ज़रूरत है। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप ये जो डेड बॉडीज़ ले जाएंगी मॉर्चरी वैन्स वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये भी मैं बता दूं कि इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हम हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जितनी भी सर्विसेज देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो ये भी मॉर्चरी वैन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडीज़ को जिधर भी जाना होगा, यानी ग्रेवयार्ड में या किसी के घर पे ले जानी होगी बॉडी, तो वो ले जाएगी। तो इसमें कोई सवाल हो तो मुझे बता दें।